एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्यूट्यूब क्रिप्टो एयर ड्रॉप चैनल पे स्वागत है। तो चलिए नया टेस्टनेट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ। इससे पहले बता दूँ कि अभी जस्ट मैंने एक जंप डेफी टेस्टनेट एयर ड्रॉप को अपलोड किया है, तो आप लोग जा करके देख लेना। और अगर बहुत सारा अगर टेस्टनेट एयर ड्रॉप करना है तो हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर आ जाइएगा, और डिस्कॉर्ड चैनल पर आने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाइड टेस्टनेट दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सारा टेस्टनेट एयर ड्रॉप मिलने वाला है। जो भी अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग सारे टेस्टनेट को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए लेकर के चलता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्कॉर्ड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ वो जेटा चेन एयर ड्रॉप के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि टेस्टनेट है। एंड आपको पर डे इस टास्क को करके और पॉइंट्स अर्न करने हैं, और पॉइंट्स की फ्यूचर में बेनिफिट होने वाली है और अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, तो आप लोग कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवी ब्राउज़र को ओपन करना है। कीवी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अपना मेटा मास्क को कर लेना है ओपन। तो चलिए मेटा मास्क को मैं ओपन कर लेता हूँ पासवर्ड डालकर। तो पासवर्ड डाल के मैंने कर लिया मेटा मास्क को ओपन। अब आपको यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे नेटवर्क आपको दिखेगा गोयरली टेस्ट नेटवर्क। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो यहाँ पे सेटिंग, इस पे प्रोफाइल पे आना है, और यहाँ पे सेटिंग पे आना है एंड एडवांस पे जाना है एंड नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे शो टेस्ट नेटवर्क जो होगा इसको ऑन कर लेना है, देन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से गोयरली टेस्ट नेटवर्क दिख जाएगा। उसके बाद आपको वापस से चैनल पर आना है, और यहाँ से पहले आपको फॉसेट ले लेना है। आपको देख लेना है दोनों में से कौन सा लिंक फॉसेट का वर्क कर रहा है, जो कर रहा होगा उससे आपको फॉसेट ले लेना है। तो मैं पहले वाले लिंक को कर देता हूँ ओपन, और यहाँ पे अपना एड्रेस डालता हूँ। एड्रेस कौन सा डालना है आपको, मेटा मास्क से डालना है। तो मेटा मास्क को करता हूँ ओपन एंड यहाँ पे एड्रेस को करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लॉगिन करने बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है अपना कोई सा भी जीमेल वीमेल से अपना यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए मेरा लॉगिन हो चुका है। मैं यहाँ पे उस एड्रेस को अपना पेस्ट करता हूँ, सेंड मी ETH पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो ETH है वो वहाँ पे आ गया होगा फॉसेट वाला। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार रिफ़्रेश करके। यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऑलरेडी था यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा और आ गया। तो आपको इस तरह से मिल जाएगा फॉसेट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट लिंक मिल जाएगा, टेस्ट लिंक को आपको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको अपने कीवी ब्राउज़र में इसको कर देना है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई विद ट्विटर का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई विद ट्विटर पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई विद ट्विटर पे क्लिक करने के बाद आपको ट्विटर ऑथेंटिकेशन करने बोलेगा, तो यहाँ पे ऑथराइज़ कर देना। ऑथराइज़ करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, कंटिन्यू 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 गेट स्टार्टेड। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, मेटामास्क पे करना है कनेक्ट, देन यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, कनेक्ट कर लेना है। वापस से आ जाना है आपको स्टेप पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप मेरा वॉलेट जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कीवी ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। कीवी ब्राउज़र महा घटिया ब्राउज़र है, बहुत मतलब वर्क नहीं करता है सही से। तो मैं येंडेक्स ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, येंडेक्स ब्राउज़र में इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो येंडेक्स ब्राउज़र का भी सेम प्रोसेस है, आपको मेटा मास्क वहाँ पर भी मिल जाता है। वहाँ पर एक्सटेंशन लगा के रखे हो कि आप ऑलरेडी नहीं रखे हो तो अभी जा करके रख लो। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सारा टास्क, ठीक है गाइज। सेम वॉलेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो भी टैब मेरा है उसको करता हूँ क्लोज़, और यहाँ पे लिंक को अपना कर देता हूँ ओपन। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ट्विटर से ऑथेंटिकेट कर देना है। ये सारा चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू गेट स्टार्टेड कनेक्ट वॉलेट मेटामास्क पे क्लिक करता हूँ। मेटामास्क पे क्लिक करने के बाद अपने मेटामास्क को देखना है। यहाँ पे मेटामास्क में रिक्वेस्ट आएगा, उसको कर देना है आपको कंफर्म या फिर कनेक्ट, जो भी आएगा यहाँ पे कर देना है। जैसे कर दोगे कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको कर देना है रिक्वेस्ट एसेट पे क्लिक। रिक्वेस्ट एसेट पे क्लिक करने के बाद मेटामास्क में एक ट्रांजेक्शन आएगा, उसको आपको करना होगा अप्रूव। थोड़ा वेट करता हूँ ट्रांजेक्शन आने का। तो गाइज़ यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं आया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रिक्वेस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ट्राई स्वैपिंग का ऑप्शन आपको आएगा, ट्राई स्वैपिंग पे आपको करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे कुछ अमाउंट स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे ग्वेरली पहले से सिलेक्ट है, यहाँ पे मैं कोई दूसरा कॉइन सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो DAI कॉइन सिलेक्ट कर, मतलब कि नहीं, पहले तो आपको ETH ही सिलेक्ट करना होगा क्योंकि आपके पास ETH है। उसके बाद नीचे में आपको जो कॉइन सिलेक्ट करना है वो कोई सा भी सिलेक्ट कर देना है, मैं BSC कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जितना फॉसेट होगा सारा शो करेगा, तो आपको सारा नहीं डालना, नहीं तो फिर फी कहाँ से आप पे करोगे। तो कुछ अमाउंट डालना है, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे 0.21 है, तो मैं यहाँ पे 0.01 डाल देता हूँ। 0.01 डालने के बाद यहाँ पे कॉइन आपको सिलेक्ट करने बोलेगा, दोबारा से यहाँ पे कॉइन सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे अमाउंट इज़ टू स्मॉल बोल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, 0.1 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, स्वैप पे क्लिक करता हूँ, देन आपके वॉलेट में ट्रांजेक्शन आएगा, उसको कर देता हूँ कंफर्म। तो यहाँ पे कंफर्म आ चुका है, कंफर्म मैंने कर दिया है। थोड़ा वेट करता हूँ ये ट्रांजेक्शन कन्फर्म होने तक। तो यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क कन्फर्मेशन है, चार नेटवर्क कन्फर्मेशन है, अभी 0 हुआ है।
तो यहाँ पे आपको दो चार मिनट वेट करना होगा ये कन्फर्म होने तक का। देख सकते हो यहाँ धीरे धीरे कन्फर्म हो रहा है, ये 4x4 कन्फर्म हो जाएगा, तब तक आपको वेट कर लेना है। तो गाइज़ वहाँ पे आपको कन्फर्म वॉलेट का करने आएगा, कन्फर्म वॉलेट कर देना है आपको। मेटामास्क में फिर से एक ट्रांजेक्शन आएगा, उसको कर देना है आपको साइन इन। तो अगर एरर आएगा आपको तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, इनवाइट एंड अन पे क्लिक करके कॉपी लिंक करके आप एक दो रेफ़र कर लेना अपना, या फिर अपने दोस्त लोग को रेफ़र कर लेना। तो यहाँ पे मैं एक बार बैक आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, वेट करता हूँ कंफर्म होने तक। रेफ़र पे भी आपको ZP पॉइंट्स मिलने वाली है पर डे। तो आप ये जितना भी टास्क मैं बता रहा हूँ ये आपको पर डे यानी कि एवरी डे करना है, तभी आपके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा बेनिफिट। तो डेली आप पॉइंट इतना टास्क करके पॉइंट कलेक्ट करते रहना, आपके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर शो होते रहेंगे। तो अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, थोड़ा वेट करता हूँ इसे कंफर्म होने का। तो गाइज़ ये होने में टाइम लगेगा ज़्यादा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहीं पे वेबसाइट में नीचे यहाँ पे डिस्कॉर्ड दिख जाएगा, डिस्कॉर्ड पे क्लिक करना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। एंड आपको यहाँ पे अपना एड्रेस कर लेना है कॉपी यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद डिस्कॉर्ड पे आपको क्लिक करके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना है। डिस्कॉर्ड पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको टेस्टनेट फीडबैक, आपको टेस्टनेट फीडबैक दिखेगा, टेस्टनेट फीडबैक में आना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट जो लिया था उसको करना है कॉपी और यहाँ पे आपको फीडबैक में लिख देना है जो भी मीन्स कि यहाँ पे कुछ मैं लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांजेक्शन स्लो हो रहा है। एंड यहाँ पे नीचे मैं अपना एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेंड। यहाँ पे सेंड होने तक वेट करता हूँ, यहाँ पे सेंड हो चुका है। देन आपको यहाँ पे आना है, बग रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा, इस फॉर्म को करना है आपको फिल। तो यहाँ पे फॉर्म को करता हूँ ओपन, ओपन टू क्रोम कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे ये। अब यहाँ पे मैं स्वैपिंग पे टिक कर देता हूँ जो भी इशू है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांजेक्शन अप्रूवल टाइम इज़ वेरी हाई, प्लीज़ इम्प्रूव इट। तो अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख देना। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो लिया था उसको चिपका देना। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है, वॉलेट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, और ट्रांजेक्शन आईडी आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं। यहाँ पे वॉलेट एप्लीकेशन मैं यहाँ पे मेटामास्क से किया था, मेटामास्क डाल देता हूँ। ब्राउज़र मैंने यहाँ पे कीवी से किया था, एंडेक्स जिससे भी किया वो डाल देता हूँ, एंडेक्स से किया हूँ वो डाल देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने एंड्रॉइड यूज़ करा है और यहाँ पे डिवाइस मोबाइल यूज़ करा है। एंड यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी भी डाल देता हूँ अपने मीन्स कि अपने ब्राउज़र से जाता हूँ और मेटामास्क में जाता हूँ। और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन आईडी दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला एक्टिविटी में, तो इस पे करता हूँ क्लिक और यहाँ पे कॉपी ट्रांजेक्शन आईडी पे करता हूँ क्लिक। ये जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ये कॉपीड हो जाएगा। कॉपीड होने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म में कर देना है फिल, देन आपको फॉर्म को कर देना है सबमिट। फॉर्म आप एक दिन में एक ही बार भरोगे, मतलब फॉर्म बार बार भरने की ज़रूरत नहीं है, बट जो टास्क मैंने बताया है वो टास्क आपको डेली कर लेना है, ठीक है गाइस। तो बस ये रहा प्रोसेस, जो कि सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मैं आपको शेयर करूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो गाइज़ मिलते हैं नए वीडियो के साथ और कुछ नए टेक्निक्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।